साहब मैं कल से काम पे नहीं आएगी। सर मैं भी कल से कपड़े प्रेस करके नहीं दे पाऊंगी। साहब कल से मैं भी आपका राशन और दूध नहीं भिजवा पाऊंगा। नमस्ते साहब, ये प्रेस के कपड़े हैं। हाँ रख दो। साहब ये लो दूध और ब्रेड। अबे उधर रख देना, फिर मेरे सिर पे रखेगा क्या दूध ब्रेड? साहब मैं कल से काम पे नहीं आएगी। सर मैं भी कल से कपड़े प्रेस करके नहीं दे पाऊंगी। साहब कल से मैं भी आपका राशन और दूध नहीं भिजवा पाऊंगा। क्यों? साहब मेरे बच्चे बीमार हैं, मैं अपने गांव जा रही हूँ। साहब आपका मकान मेरी दुकान से बहुत दूर पड़ता है, जब भी मैं आपका राशन देने के लिए आता हूँ तो मेरे को अपनी दुकान बंद करके आनी पड़ती है और मेरे सारे कस्टमर मेरा इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए मुझे बहुत नुकसान होता है साहब, मैं नहीं भिजवा पाऊंगा आपका राशन और दूध। कोई ना कोई तो गड़बड़ है जो सभी बहाने इकट्ठे ही लगा रहे हो। देख लो तुम्हें ही नुकसान है, मुझे क्या है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। कहीं तुम सोचो मैं मिन्नतें करूंगा तुम्हारी, भूल जाओ, भाड़ में जाओ तुम सब, निकलो चलो इडियट, निकलो निकलो। अरे सोनम सोनम, अरे यार वो तो छुट्टी पे गई हुई है। ओहो ये क्या हुआ? अरे यहाँ क्या बैठी है? साहब बस अभी बैठी थी। अभी बैठी थी? या बैठने के लिए आते हो या काम करने के लिए आते हो? काम चोर कहीं के, बस बहाना चाहिए बैठने का। खड़ी हो काम कर, काम कर और निकल। काम चोर कहीं के या सोने के लिए आते हो इडियट? हेलो। हाँ सर, सर मैं आधे घंटे में मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ सर, बिल्कुल आधे घंटे में सर। ओके ओके सर ओके। अरे यार एक भी शर्ट प्रेस की नहीं है, जल्दी करनी पड़ेगी। अरे गीता। हाँ बाबूजी। अरे आधा घंटा हो गया भाई, 10 कपड़े नहीं थे, इतना टाइम लगता है क्या? अरे बाबूजी वो पता है क्या, प्रेस ठंडी हो गई थी, बस अभी आपके ही कपड़े कर रही हूँ, बस 10 मिनट का टाइम दो मैं अभी आती हूँ। अरे तेज हाथ चलाया करो, और अगर नहीं करना आता काम तो बता दो, हम कोई और देख लेंगे। नहीं नहीं बाबूजी मैं अभी अभी 10 मिनट में लाती हूँ आपके कपड़े, जल्दी भेजो। यस यस। अरे यार मीटिंग ने तो दिमाग खराब कर दिया। अरे दूध भी नहीं है, ब्रेड भी नहीं है,
हेलो, अरे जीतू। हाँ जी भैया। अरे भैया दूध और ब्रेड दे जाना। भैया आपको बोलो तो थकल से मैं नहीं आ पाऊंगा। चल ठीक है यार, निकाल के तो रख दे, आ रहा हूँ। अरे इतनी देर लगती है क्या दूध और ब्रेड लाने में? अरे साहब वो रास्ते में ना मैं जब आ रहा था तो बड़े जोर की आंधी आ गई, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। क्या आंधी बारिश ला दे, एक काम है एक काम ढंग से नहीं होता है तेरे से। चल जा निकल। हेलो 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 अंजलि, अरे यार तुम कब आओगे? यहाँ पे सारा सब कुछ खराब हो चुका है। कल उन तीनों ने भी छुट्टी ले ली और मैं यहाँ पे अकेला परेशान हो गया हूँ यार। ऐसे थोड़ी कोई बिहेव करता है किसी के साथ, गलत कर रहे हैं ना वो लोग। गलत बात उनकी है या तुम्हारी? तुम कैसा बिहेवियर कर रहे थे उनके साथ? मतलब हेलो हेलो भाभी, आप कब आओगे? अभी तो लगेगा एक हफ्ता। क्यों क्या हुआ? भाभी जब आप घर पे होते थे ना तो भैया हमारी इज्जत करते थे, लेकिन आपके जाने के बाद वो हमारे से बड़ी बेरुखी से बात करते हैं, ना ही हमारी इज्जत करते हैं और ना ही हमें समझते हैं। भाभी प्लीज आप जल्दी से घर आ जाओ। और भाभी भैया खुद कपड़े लेट देते हैं और जब प्रेस के कपड़े नहीं होते टाइम पे तो फिर गुस्सा करते हैं। भाभी हम बहुत परेशान हैं। हाँ भाभी आप जल्दी से आ जाओ, हम बहुत परेशान हैं, बहुत उल्टा सीधा हमें बोलते हैं। समझाओ ना भाभी भैया को। मेरे वहाँ आने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जैसा मैं तुम्हें कहती हूँ तुम वैसा करो। अच्छा तो इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ था? हाँ मेरा हाथ भी था और दिमाग भी। वैसे एक बात बोलूं अंजलि, तुमने जो किया सही किया है। जब ये लोग नहीं थे तभी इनकी कदर का पता चला है कि हमें कितनी जरूरत है इनकी। राज ये जो लोग हमारा छोटा छोटा काम करते हैं ना, इन्हीं की वजह से हम अपने दूसरे जरूरी काम आराम से कर पाते हैं। अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे, इनको इज्जत और सम्मान नहीं देंगे तो ये हमारा काम छोड़कर चले जाएंगे, जिससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा पर हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। अब तुम बताओ क्या तुम अपना ऑफिस का काम कर पाओगे? क्या मैं अपने स्कूल वाली जॉब को कंटिन्यू कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ हमें लगता है कि वो छोटे छोटे काम करते हैं बट वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें इन लोगों की बहुत ज्यादा कदर करनी चाहिए। तुम सही कह रही हो अंजलि, मैं कल ही उनसे माफी मांगता हूँ और उनको थैंक यू भी बोलता हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दें और मैं आगे से आपके साथ ऐसा कोई भी बिहेवियर नहीं करूंगा कि आपको बुरा लगे। प्लीज आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप प्लीज मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं सर, कहीं ना कहीं गलती हमसे भी हुई होगी, इसलिए हम भी आपसे माफी मांगते हैं और आप हाथ मत जोड़िएगा प्लीज। नहीं नहीं गीता जी, मैंने आपको बहुत बहुत रॉन्ग तरीके से बोला है, मैं माफी चाहता हूँ बार बार आपसे।